शुरू करें। हाँ जी अनुराधा बहन जी 258। निशान मात्र जहां रुकना है एक पंक्ति में मात्र एक जगह नीचे। हाँ जी अनुराधा बहन जी जो मर्दी जो ये दुही दो जाए दी कम दहेण सो सब 258। जोण मर दिणाय दुई दो सो भी कम दहेण चे वखलु तमाण मारी दोणो दुहावी दो दुहावी दो चे दिण हुमिच्छा 259। कहाँ गई इंडिया अभियान तो ठीक अभी इधर कहाँ चली गई ये क्या। चलिए प्रियंका बहन जी ऐसा दूजा मदी दे दुखी दसुही दे करे मिसते ती ऐसा दे मूड मदी सुहा सुहम बंद दे कम्मम 260। ज्योति बहन जी जी दीदी दुखी दसु दे सत्ते करे मिजम ए मज वसी दमते तम पाव बंद गंबा पुन्न सब बंधम बोधी 257। इरिया बहन मारी मी जीवावे मी ये सत 257 257। जो मरदी जो ये दुही दो जाय फिर से मरदी छोटी जो मरदी जो दिए दुही दो जाय कम दयण सो सबो तम्हा दुमारी दो दे दुहावी दो चे दिन हो मिच्छा 258। श्रुति का बहन जी जो नर दिनय दुहि दो
सोवीव कमोण चेवखु संहाणम विदोनो दुआविदो चेदिनहु छा। हाँ क्या अंकिता जी नाम भूल रही है, भव्या जी के नाम पे जो है पढ़िए 259 पहले अनम्यूट करिए। ऐसा दूजा मदी दे ऐसा दूजा मदी दे दुखी दे सोई दे करे सत्ते ती सादे मूड मदी दे सुहा सुहम बंद दे कम्मम 260 लब दीजिए। दुखी दे सोई दे सत्ते करे मिजम एव मध्यवसी दंते तम पाव बंद गंवा अब आगे पढ़ते हैं। अब प्यार हाथ से आइए 261 मा रिमी जीवा वे मी सत्यम वसिदम्ते जैसे इसको बस एव मच्छो सिदम की ये ज्यादा ठीक है। अध्यवसित मूल में अध्यावसन अध्यवसानी दोनों उपसर्ग फिर से उस हिसाब से देखेंगे तो अच्छा हो सिदम ये उच्चार नीचे की पंक्ति तो पूर्वत ही है। देखिए मारे मी जीवा बेमिया सत्तेजम एव मच्छो सिदं ते सत्तेजम एव मच्छो सिदं ते तम पाव बंदे गम्वा पुन्नस्सव बंदे गम होगी मारी मी जीवा बे मिया सत्तेजम एवे मच्छो सिदं ते सत्तेजम एवे मच्छो सिदं ते मारी मी जीवा बे मिया सत्तेजम एवे मच्छो सिदं ते सत्तेजम एवे मच्छो मारी मी जीवा बे मिया सत्तेजम एव मच्छो सिदं ते सत्तेजम एव मच्छो सिदं ते तं पाव बंदे गम्वा तं पाव बंदे गम्वा
गम होती ऊपर जिस प्रकार से दुख और सुख में था वैसा ही है मारी में मैं मारता हूँ जीवा भी में जीवित रखता हूँ या और सत्य प्राणियों को जम जो एवं इस प्रकार का अध्यवसदम अध्यवसान है विपरीत मान्यता है खोटी बुद्धि है तेरी यानी तुम्हारी जो यह विपरीत मान्यता है कि मैं प्राणियों को मारता हूँ या प्राणियों को जीवित रखता हूँ उससे दूसरे प्राणी मरेंगे या जीवित रहेंगे ये तो संभव नहीं उसका संबंध तो उनके आयु कर्म के उदय से तो इसे क्या मिलेगा तुम पाव बंद का यदि मारता हूं ऐसा भाव रखोगे तो पाप का बंद होगा वा अथवा पुण्य सब पुण्य का वा अथवा बंध का मोद भी बंद होता है यानी अपने सोचने से दूसरे पर तो कुछ असर नहीं होना बुंदेलखंड में एक कहावत चलती कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरा करते और मरने लगे तो एक भी जिंदा ना रहे एनिमल इसका ऐसा हो जाए तो अच्छा जैसे कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरा करते ना अपना भी ऐसे ही है किसी के भी सोचने से दूसरे का कुछ भी होने वाला नहीं एक और जो कहावत चलती मुल्ला की दौड़ अपनी दौड़ अपने विकल्पों की पहले अभी सुन लिया कर बाद में घर पर पूछ लिया ऐसे स्कूल में पढ़ते ही कुछ आते ही जाता नहीं बिल्कुल आम मुहावरे तो ये भी पता नहीं इनको भी कल की बात है कौन घंटा क्या होता है ये समझ में नहीं नहीं कल अलग से जब शुरू में कि निवृत्त होके आए कि नहीं तब पे उठाए तब पौन घंटा क्या होता है ये पता नहीं कम से कम इतने जनरल नॉलेज तो बच्चों को देनी चाहिए आधा घंटा पौन घंटा दीदी हाँ जी क्या है कौओं के कोसने से कौओं के कोसने से डोर नहीं मरा ये बच्चे कहेंगे हमें आप टोक रहे हो इतने बड़े बड़े लोग उनको पता नहीं कौओं के कोसने से डोर नहीं मरा करते मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक मुल्ला तो समझते ना जो नमाज पढ़ते कहाँ जाएंगे मस्जिद और कहाँ मिलेगा उन्हें काम आरी को खोलना हो तो कहाँ मिलेंगे मंगलायतन और कहाँ जाएंगे ऐसे ही हाँ वो भी तो मंगलायतन का हिस्सा है ना ऐसे ही अपनी सीमा अपने विकल्पों तक उससे आगे तो पत्ता भी हिलने वाला नहीं वो दीदी सुनने में है ना लोग आया था कि कौए के कोसने से लोग नहीं अच्छा तो इसलिए मैंने क्लियर किया
बहन जी, इन सब गाथाओं से तो आलोचना और प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना पूरा जीरो हो गया। नहीं, ये कह रहे हैं कि जब दूसरों पर तुम्हारा कुछ वश नहीं चलना तो तुम क्यों सोचते रहते, और फिर भी यदि सोच हो गया तो आलोचना करो। क्यों? क्योंकि वहां तो कुछ होने जाने वाला है ही नहीं, तो बेमतलब में दीवार से सिर क्यों फोड़ रहे। दीवार फूटने वाली हो तो दीवार से टकराओ, और दीवार तो खिसकने वाली है नहीं, तो अपनी माथा फोड़ो। दीदी बलपूर्वक तो अपन से इसके बाद भी कई विकल्प ऐसे आ जाते हैं, नहीं करना चाहते वो, तो उस समय प्राइस ले ले उसका। हाँ, जिस भूमिका में है अपन तो वहां भाव आएंगे, वहां सजगता कि वो भाव आए हैं, फिर भी ये सोचे कि सामने वाले का होगा तो वही जो उसकी होनहार हो। तो यदि अपनी भावना फलीभूत हो गई तो अकड़ना नहीं, घमंड नहीं करना। क्यों? उसके होनहार इसलिए हुआ, वो कदाचित भावना फलीभूत नहीं हुई, उसने नहीं सुना तो खेद खेद भी नहीं होना। क्यों? क्योंकि वो अपनी होनहार के अनुसार करेगा कि हमारे अनुसार करेगा। और जो भी अपने को भाव जगा तो उसकी निंदा कर रहा, क्यों? ये उचित तो है नहीं। मुझे एक स्टीकर भी चलता है ना, अपने इसी की कलश का है, दूसरे अध्याय का कलश है, 94-95 नंबर का। तो उसको लेकर के एक स्पीकर का बात के है अपने 95 नंबर का कलश, एक वाक्य स्टीकर का, विकल्प दूसरों के लिए निरर्थक है और अपने लिए अनर्थक। ये स्टीकर 95 कलश का, दूसरों पर अपनी सोच का कुछ असर नहीं होना, इसलिए तो बेकार गए, हमारा स्वाहित हो गया, हमें कर्म बंद गया और उसकी सजा भोगनी पड़ी, उसकी अनर्थ यानी अपना बुरा हुआ। तो भूमिका अनुसार भाव आएंगे, छठवें गुण स्थान तक आते रहते, परंतु एक गलत है, ये भाव भी साथ में निरंतर रहना चाहिए। चलिए, तो मैं दूसरे जीवों को मारता हूं या जीवित रखता हूं, ऐसी जो तेरी विपरीत मान्यता है उससे मात्र पाप का बंध या पुण्य का बंध होगा, सामने वाला मरेगा या जीवित रहेगा इससे उसका संबंध नहीं है, इसका संबंध तो उसके आयु कर्म से। बड़े जीवा बेकार है एवमच्छवसी लब्धे पाव बंधे गम बंधे गम पूजी। किस लाइन ऐसे पढ़ी हुआ के बाद बंधे गम पुन्नसव फिर से छोटी बड़ी मात्रा का ध्यान रखते, मारी मी जीवा वेनिया सत्य
तेजम एवं अच्छवसिदं ते संपावबंधगं वा पुनस्तवबंधगं होति। पूनम बहिनी मारिमि जीवा वेमिया सत्तेजम एव मध्यवसिदं ते संपावबंधगं वा पुनस्तवबंधगं होति। पार्थ भैया जी दीदी मारिमि जीवा में विय बेमी मारिमि जीवा में विय बेबी नहीं बेमी मारिमि जीवा में य नहीं नहीं भैया पहले वा फिर मा बेमी। दीदी मेरे इसमें जीवा में मिय दिया है में भी मैं तो उल्टी अर्थ हो जाए नहीं वो कहने माँ पहले और वह बाद में जैसे या किसी प्रति में दीदी जीवा वेमीय हाँ तो वेमीय पढ़िए ने पहले वह फिर माँ वेमीय सत्तेजम एव मज्जव सिदम ते संपाव बंद गम वा पुन्नस्व बंद गम होदी। बहुत अच्छा। हाँ भैया दिव्यांश भैया अब आगे देखे बंधो सत्ते बंधो सत्ते बंधो सत्ते बंधो सत्ते मारे उमा मारे उमा मारे उमा मारे उमा व मारे उ व मारे उ व मारे उ व मारे उ व ईसो बंध एसो बंध एसो बंध समासो जीवाणम समासो जीवाणम समासो जीवाणम समासो जीवाणम निच्छय नयस् निच्छय नयस् निच्छय नयस् निच्छय नयस् ये तो कैंसिल कर दो और मात्र बस एक एक जगह निशान लगाना है ने बीच में जहां इतनी बुरी तरह लाइन है बीच में जहां रुकते हैं बस वहां पूरा काला कवर समझ नहीं आता पढ़ना अब ऐसा करना कल रबर लाना और बाकी सब साफ करना ने मात्र बीच में जहां रुकते हैं वहां छोटा सा निशान एकदम बड़ा नहीं बिल्कुल छोटा सा निशान चलिए अच्छा देन बंधो बंधो सत्य मारे उमा मारे सत्य मारे उमा मारे सो बंध समासो एसो बंध समासो जीवाणम निच्छय नयस् जीवाणम निच्छय नयस् अच्छोसि देन बंधो अच्छोसि देन बंधो सत् ग्रंथ देखिए सत्ते मारे उमा वा मारे
मारे सत्य मारे सो पंध समासो एसो बंध समासो जीवानं निच्छय नयस्स जीवानं निच्छय नयस्स अच्छोसि देन बंधो अच्छोसि देन बंधो सत् ते मारे उमावा मारे सत्ते मारे उमावा मारे एसो बंध समासो एसो बंध समासो जीवानं निच्छय नयस्स जीवानं निच्छय नयस्स अच्छो सिदी अध्यवसान से यानी विपरीत मान्यता से उल्टी बुद्धि से बंधो बंध होता है सत्य प्राणियों को मारे वो मारो मा नहीं वा अथवा मारे हु मा यानी प्राणी मरे या ना मरे उन्हें मार पाओ या ना मार पाओ पर जो ये मारने आदि के भाव हुए हैं मैं मार सकता हूँ ये उल्टी मानता हुई इससे बंध होता आचार्य से कह रहे यीशु यह बंध समास बंध का संक्षिप्त यानी एक पंक्ति में बताना हो कि बंध किससे होता कि उल्टी मानता से यानी वस्तु स्वरूप जैसा नहीं है वैसा मानने से बंध होता ये संक्षिप्त जीवाणु जीवों के निश्चय नय से निश्चय नय का वास्तविक यानी बाकी सब कथन औपचारिक और ये वास्तविक कथन कि जो हम मान रहे बंध उसके अनुसार होगा यदि वस्तु स्वरूप से उल्टा मान रहे तो बंध होगा काम वैसा कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात चलिए पढ़िए अच्छा बसाने अच्छा बसाने अच्छा सा अच्छा से देन बंदो सत्ते मारो उमर देखिए अच्छा से देन बंदो सत्ते मारे उमर मारे एसो बंद समासो क्या हो गया मन नहीं लग रहा ये मम्मी ने पेंसिल क्या मना कर दी बस ने आपका मूड अप करने के लिए कुछ भी कारण छोटा सा कुछ भी कोई भी टोक दे भेजे तो बस कल मेरे कारण मूड ऑफ हो गया था मम्मी के कारण मूड ऑफ हो गया कैसे चिंता रह पाओ सुख से कैसे जी पाओ ये इतना सेंसिबल कोई टोक ही नहीं सकता रोने लगी वास्तव में इन बच्चों में बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं ना शारीरिक ना मानसिक कुछ नहीं सह पाते कोई किसी से कुछ भी कहो वो पूरी कक्षा में वो चेहरा बराबर बताता रहता है इसके कारण समाज में कैसे टिक पाओगे
हाँ जी चरिया बहन जी जी दीदी अजब सीधे न बंधो सत्ते मारे उमाव मारे ऐसो बंध समासो जीवानं निश्चय नयस्य उपशम भैया अच्छा वसी देन बंधो सते मारियू माव मारियू ऐसो बंध ऐसो 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 जीवाणम क्षणेयस्त ये जो ऐसो बोलते हैं ना ऐसो नहीं ऐसो ऐसो हाँ जी प्रथम भैया अच्छा सिद्धेन बंदो सत्ते मारे मावा मारे ऐसो बंद समा ऐसो बंद समासो जीवाणम निश्चय स अब आगे देखिए अब आचार्य श्री अपने को काम सौंप रहे कि हमने मारना जीवित रखना दुखी करना सुखी करना इन चार पर घटित करके बता अब आप झूठ बोलना सही बोलना चोरी करना चोरी नहीं करना कुशील सेवन करना ब्रह्मचर्य से रहना परिग्रह इकट्ठा करना परिग्रह छोड़ना इन पर भी ऐसे ही घटित कर लेना यानी अपने को गृह कार्य दे रहे हैं इस गाथा के माध्यम से दो गाथाएं हैं एव मलिये अदत्ते अवम चेरे परिगहे चेव की रदि अज्जवसारम जम्तेनदु बच्छदे पावम एव मलिये अदत्ते अवम चेरे परिगहे चेव ईरदि अच्छव सानम जम्तेनदु वज्जदे पावम एव मलिये अदत्ते अवम चेरे परिगहे चेव कीरदि अच्छव सानम जम्तेनदु वज्जदे पावम एव मलिये अदत्ते अवम चेरे परिगहे चेव कीरदि अच्छव सानम जम्तेनदु वज्जदे
पावम यम तेन दुगच्छते पावम एवं अलिये ये अलग अलग करना एवं अलिये एवं इस प्रकार अलिये असत झूठ बोलना आदत्ते बिना दिए लेना मतलब चोरी करना अवम्यचर्य अब्रह्मचर्य मतलब कुशील परिग्रह परिग्रह च एव और ही यानी इसी प्रकार से असत्य बोलना चोरी करना कुशील सेवन करना और परिग्रह इनमें कीरति करता है अच्छावसानम अत्यवसान उल्टी मान्यता यानी मैं झूठ बोलता हूँ मैं चोरी करता हूँ इस तरह की जो मान्यता करता है जम जो तेन उससे दू वास्तव में बचते बांधता है पापम पापम यानी ये सब पाप कर पाए चाहे नहीं कर पाए वो एक अलग बात पर ये भाव करता है तो बराबर पाप बनता है। हाँ जी पढ़िए एवं अलिये अदत्ते अवम्बचरे परिग्रहे चेव कीरति अच्छवसानम् जमतेन दुगच्छते पावम बिना बेन एवं अलिये अदत्ते अबंब चेरे परिकहे चेव कीरति अच्छवसानम् जम तेन दुबच्चदे पावम शांत बेंगे ये अदत्ते अबंब चेरे परिकहे चेव कीरति अच्छवसानम् जम तेन दुबचदे पावम। अब इससे उल्टे सत्य आदि तह बीय तह बीय तह बीय तह बीय सच्चे दत्ते सच्चे दत्ते सच्चे दत्ते सच्चे दत्ते बम्बे 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 अब परिग्रहत तने अब परिग्रहत तने अब परिग्रहत तने अब परिग्रहत तने शिव 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 नीचे की पंक्ति में मात्र उन्नम 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 तहे विय सच्चे दत्ते तहे विय सच्चे दत्ते बम्भे अपरिग्रहतणे चेव बम्भे अपरिग्रहतणे चेव कीरति अच्छवसानम् कीरति अच्छवसानम् जम्ते न दुबच्छते पुन्नम् जम्ते न दुबच्छते पुन्नम् तहे बिये सच्चे दत्ते तहे बिये सच्चे दत्ते बम्भे अपरिग्रहतणे चेव बम्भे अपरिग्रहतणे चेव कीरति अच्छवसानम् कीरति अच्छवसानम् जम्ते न दुबच्छते पुन्नम् जम्ते न दुबच्छते पुन्नम् तहे बिये सच्चे दत्ते
तवीय सच्चे दत्ते बंभे अपरे गहत्तने चेव अपरे अपरे गहत्तने चेव कीरदि अच्छवसाणम कीरदि अच्छवसाणम जमते न दुवच्छदे पुन्नम जमते न दुवच्छदे पुन्नम तह उसी प्रकार बी भी या और सच्चे सत्य में सत्य दिए हुए को ग्रहण करने में मतलब अचौर्य बम्बे ब्रह्मचरी में अपरिग्रहतने अपरिग्रह में च और एव ही कीरदि करता है अच्छा और सहनम अध्यवसान उल्टी मान्यता विपरीत बुद्धि जम जो तेन उससे तो वास्तव में बचते बंधता है पुण्यम पुण्य यानी जो उसी प्रकार सत्य में अचौर्य में ब्रह्मचर्य में और अपरिग्रह में ये सब में करता हूँ कर सकता हूँ ऐसा अध्यवसान करता है वह उस अपने भाव से पुण्य को बांधता कहना ये चाह रहे पर के संदर्भ में कुछ भी भाव क्योंकि पर में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है इसलिए वे अपने अपराधी भाव हैं और इसलिए उनसे कर्मों का बंध होगा अब अच्छे के रूप में होंगे तो पुण्य बंधेगा बुरे के रूप में होंगे तो पाप बंधेगा पर बनेंगे छूटेंगे नहीं चलिए बोलिए एवं अदत्ते कौन सी पढ़नी है चलिए अपरिग्रहतेण सच्चे दत्ते बम्बे अपरिग्रहतने चेव कीरदि अज्जवसाणम् जंतेन दुवच्छदे पुण्यम् तवी सच्चे दत्ते बम्बे अपरिग्रहतने चेव कीरदि अज्जवसाणम् जंतेन दुवच्छदे पुण्यम् तवी सच्चे दत्ते बम्बे अपरिग्रहतने चेव कीरदि अज्जवसाणम् अज्जवसाणम् कीरदि अज्जवसाणम् जंतेन दुवच्छदे पुण्यम् हाँ जी तिलक मणि भाभी जी जी देवी सच्चे दत्ते बम्बे अपरिग्रहतने चेव कीरदि अच्चवसाणम् जंतेन दुवच्छदे पुण्यम् इरिया बहन जी तहविय सच्चे दत्ते बम्बे बम्बे अपरिग्रहतने चेव कीरदि अज्जवसाणम् जंतेन दुवच्छदे पुण्यम् जी दीदी तहविय सच्चे दत्ते बम्बे अपरिग्रहतेन चेव अपरिग्रहते
अपरिगहत तणे चेव कीरदि अज्जवसाणम् जम तेण दुबज्जदे पुण्यम् प्रशमय दत्ते वंबे अपरिग्रहणे चेव कीरदिया सुनिए सुनिए अपरिग्रहत तणे अपरिग्रहण अप 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 परि परि गहत तणे गहत तणे को आगे तणे चेव कीरदियाजवसाणम् जवम् तेन दुबुच्छदे पुण्यम् हाँ भाई दिव्यांश भैया तहव्यसत्ते दत्ते बम्बे अपरिगातणे चेव कीरदि अर्धवन्ताणम् जमतेन दुबद्धते पुन्नम् तेन दु छोटी उकी मात्रा हाँ उपशम भैया तहव्य सच्चे दत्ते बम्बे अपरिगह तणे चेव गहत तणे गहत तणे पहले आधा ताप्त पूरा अपरिगहतणे तणे चेव कीरदि अच्छवसाणम् जमतेन दुबुज्ज बज्जदे पुण्यम् नदु छोटा हुआ आज नमोकार मंत्र कौन पढ़ेंगे आपको दो बार अवसर मिल चुका है समय बर्बाद कर ली तो आज इनको अवसर मिलेगा और यदि गड़बड़ किया तो फिर अवसर नहीं मिलेगा फिर आप तैयार रहना नमो हरिहंतानं नमो हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोये सर्वसामूढं नमो हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरि आणम् नमो उवजायाणम् नमो हरिहंतानं नमो उवजायाणम् नमो लोये सर्वसामूढम् नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरि आणं नमो उवजायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरि आणं नमो उवजायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो मायरि आणं नमो उवजायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं।
विद्वा संग में ही जीवन माता।